जब से एमपी में बारिश का आगमन हुआ है तब से प्रदेश के हर हिस्से में हाहाकार मच गया है। भारी बारिश से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली तो वहीं अब उन्हें काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। वेलकम, मैं परनिका तिवारी, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एमपी के इंदौर उज्जैन संभाग के 5 जिलों में मौसम विभाग ने अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इंदौर, धार, रतलाम, मंदसौर और नीमच में 24 घंटे में 8 इंच तक बारिश हो सकती है। आधे प्रदेश यानी कि 29 जिले ऐसे हैं जहां भारी बारिश की संभावना है। इसमें इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, सागर, ग्वालियर, चंबल, शहडोल के जिले शामिल हैं। वहीं सीनियर मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि पिछले 24 घंटे में ग्वालियर चंबल संभाग के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय था। अभी ये पूर्व दिशा की ओर बढ़कर उत्तर प्रदेश के मध्य हिस्सों में है। इसके साथ मॉनसून ट्रफ लाइन पूर्व मध्य प्रदेश से गुजर रही है। दूसरी ओर दक्षिण पश्चिम हवाओं के साथ अरब सागर और दक्षिण पूर्वी हवाओं के साथ बंगाल की खाड़ी की ओर से नमी है। यही कारण है कि प्रदेश के कई जिलों में भारी से भारी बारिश का दौर जारी है। अगले 48 घंटे के दौरान प्रदेश में ऐसा मौसम रहने का अनुमान जताया जा रहा है। लगातार बारिश ने तो जैसे शाजापुर शहर में तबाही ही मचा दी हो। दरअसल शाजापुर शहर के बीच से गुजरी चीलन नदी उफान पर आ गई। पुलिया से पानी बह रहा है जिसकी वजह से शहर दो हिस्सों में बट गया है। रायसेन के बेगमगंज में हुई तेज बारिश से बीना नदी उफान पर चल रही है, तो वहीं नर्मदा पार्वती नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। विदिशा के सिरोंज, कुरवाई और गंजवा सौदा क्षेत्र के लगभग 20 गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। विदिशा में सबसे अधिक नुकसान मधुखेड़ी, इमलिया और फतेहपुर में हुआ है। इन तीनों गांवों में ही 25 से अधिक लोगों के घर धराशायी हो गए हैं। नरेन नदी में उफान आने से विदिशा अशोकनगर हाईवे बुधवार रात 8 बजे तक बंद रहा, तो वहीं घटवार में स्कूल की बाउंड्री वॉल ही गिर गई। मध्य प्रदेश में बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। इंदौर में तेज बारिश के चलते मुहाड़ी वाटरफॉल उफान पर है। यहां पिकनिक मनाने पहुंचे एक ग्रुप में शामिल 12वीं के छात्र की डूबने से मौत हो गई। रायसेन के बेगमगंज इलाके में लगातार हो रही बारिश से बीना नदी उफान पर आ गई। कोकलपुर गांव में 150 एकड़ खेत ही डूब गए। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। आईएमडी भोपाल के वैज्ञानिकों के अनुसार 1 जून से अब तक 14.5% बारिश ज्यादा हो चुकी है। पूर्वी मध्य प्रदेश में औसत से 14% अधिक और पश्चिमी मध्य प्रदेश में औसत से 15% अधिक बारिश हो चुकी है। आने वाले दिनों में सिस्टम एक्टिव रहेंगे, इससे बारिश का आंकड़ा और भी बढ़ जाएगा। प्रदेश के सिवनी, अनूपपुर, मंडला, छिंदवाड़ा और जबलपुर ऐसे जिले हैं जहां सबसे ज्यादा बारिश हुई है। वहीं रीवा, खरगोन, खंडवा, सतना और टीकमगढ़ में सबसे कम बारिश हुई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे यानी परनिका तिवारी को दीजिए इजाजत। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए जुड़े रहें इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू।